वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं आया हूं अपने ग्रुप स्वाद फार्मिंग से और मैं आज अपने फॉर्म में काम कर रहा हूं। ये 8 नंबर पीचेस हैं, आप देख सकते हैं। तकरीबन 1.5 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी और ये स्टार्ट होते हैं तकरीबन 20 अगस्त के बाद। सबसे लास्ट वैरायटी है स्वाद की, जिसको हम 8 नंबर कहते हैं। अभी देख सकते हैं ये इस कंडीशन में चल रहा है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम। आज ये इस गार्डन में हम काम कर रहे हैं। जो टहनियाँ बहुत भरी हुई हैं फ्रूट से, उसके लिए सपोर्ट के लिए हम लोग ये डंडे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो मैंने सोचा कि आपके इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा किया जाए। तो जो भी फ्रूट हो, आड़ू ज़रूरी नहीं है, आप जो टहनियाँ ज़्यादा फ्रूट पकड़ती हैं और वो बड़े पौधे होते हैं, तो उनको अगर सपोर्ट ना दी जाए, हम लोग इसको अंदर से, आप देख सकते हैं, बांध भी लेते हैं। ये आपको रस्सियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट होता है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह स्क्रीन पे, इसने बहुत ज़्यादा फ्रूट पकड़ा होता है। तो अभी तो ये छोटा है, तकरीबन इसका साइज़ बहुत बढ़ेगा, ये तकरीबन बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो इसकी टहनियाँ होती हैं, ये ओल्ड जो इसका वुड होता है, ये इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसकी सपोर्ट के लिए हम लोग इधर लगाते हैं इस तरह की, आप देख सकते हैं सपोर्ट के लिए। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ना लगाई जाए तो ये 12 से 15 साल पुरानी टहनी जो है, ये इसकी मेन स्टेम्प है, ये टूट जाती है, जिसकी वजह से पौधा भी दिखने में बहुत बुरा लगता है और इसमें फ्रूट में बहुत कमी आ जाती है अगले साल। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितना फ्रूट इसने पकड़ा हुआ है। तो ये एक दाना जो है, ये तकरीबन 400 से लेके 300 ग्राम तक बढ़ता है। अंदाजे के मुताबिक अगर ये तीन दाने 300 ग्राम या 350 ग्राम तक पहुँचें, तो ये तीन दाने या चार दाने 1 किलो वज़न देंगे। तो आप देख सकते हैं इसने माशाल्लाह कितना फ्रूट पकड़ा हुआ है। तो अगर इस टहनी को आप सपोर्ट ना दें तो ये टूटेगी और ये ऐसे डैमेज होगी जिसकी वजह से आपका सारा पौधा दिखने में भी बुरा लगेगा और अगले साल जो ये दाने हैं, ये इसमें कमी आ जाएगी। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे सपोर्ट देंगे। तो इसके लिए बहुत आसान मेथड है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये हम लोग पौधे के इर्द गिर्द घूमते हैं और जिस टहनी में बहुत ज़्यादा फ्रूट होता है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे माशाल्लाह इसने बहुत फ्रूट पकड़ा हुआ है। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 से 200 दाने इसने इस टहनी में पकड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको हमने दो ये लकड़ी की सपोर्ट दी है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। इस लकड़ी को बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप आड़ू की फसल के लिए ही खाली ये डंडियाँ इस्तेमाल करें, इसको आप आम के लिए भी कर सकते हैं, सेब के लिए भी कर सकते हैं, जो भी फ्रूट हो भरा हुआ हो उसको सपोर्ट देने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। चलें आए, मैं आपको बताता हूँ कि ये टहनियाँ हम लोग ये लकड़ी किस तरह बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सब भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। इससे ये होगा कि आपको मेरी वीडियो आसानी से मिल सकेगी और मेरी सपोर्ट भी थोड़ी हो जाएगी। तो बेल का आइकन और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भाई को कोई सवाल पूछना हो एग्रीकल्चर के किसी भी फील्ड में, इंशाल्लाह आपको आसानी से आंसर मिलेगा।
अच्छा, इन लकड़ियों को सपोर्ट के देने के लिए हमें चाहिए होते हैं इस तरह की दो लकड़ियाँ। ये आसानी से आपको मिल सकती हैं किसी भी वो लकड़ी वाली मशीन जो होती है, जहाँ लकड़ी का काम होता है उधर ये आपको मिल सकती है। ये तकरीबन ये दोनों, एक है तकरीबन 10 रुपये की, 20 रुपये की ये दोनों बनती है। आप देख सकते हैं, ये मैं लगाऊंगा उस लकड़ी के सर पे, तो आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम लोग किस तरह लगाएंगे इस लकड़ी पे, ताकि हम सपोर्ट दे सकें पौधों को। चले आइए, कैमरे वाले आप इधर आ जाए। ये दो लकड़ियाँ चाहिए होती है लान दीवानी से, मैं बकिनर आऊँगा लान दिल तरह बिल्कुल खाली दाय चेहरा वाला। तो ये हम लोग इसके लिए 2 किलो की ज़रूरत होती है। कीलें आपको पता है बाजार से आसानी से मिल सकती हैं। ये 2.5 इंच की एक कील है, इसको हम इस तरह लगाएंगे खाली दल तो नहीं सकता, और हथौड़े की मदद से इसको हम सपोर्ट देंगे 2 किलो की वजह। असल में आज बारिश हुई है और हम बारिश में इधर फॉर्म में आए हैं काम करने, तो अब ये दूसरी लकड़ी लगेगी इस तरह। आप देख सकते हैं बड़ी चीज है सपोर्ट देने के लिए। दो कीले इसको देनी है सपोर्ट। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसमें हम लोग बीच में, इसमें हम आड़ू की जो टहनी है वो बीच में लाएंगे और इसको इस तरह सपोर्ट देंगे, सही है। तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप आड़ू के लिए इस्तेमाल करें, आप किसी भी फ्रूट की टहनी को सपोर्ट के लिए दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी टहनी टूटेगी नहीं और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें आसानी से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।